दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 10 Pro आपको 5G के साथ बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है और इसका जो 3C सर्टिफिकेशन है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, जिससे कि यह कंफर्म होता है कि आपको Redmi Note 10 में 22.5 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो Redmi Note 10 Pro में 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट के साथ आपको MediaTek Dimensity 800 Plus का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G इनेबल चिपसेट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि Redmi हर साल अपने Redmi Note सीरीज का 2 स्मार्टफोन लॉन्च करती है, तो इस साल के स्टार्टिंग में हमें Redmi की तरफ से Redmi Note 9 सीरीज देखने को मिला था, तो Redmi Note 10 सीरीज बहुत ही जल्द आपको 5G के साथ देखने को मिलेगा, जो कि बजट प्राइसिंग के अंदर आने वाला पहला 5G डिवाइस होने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी डिवाइस के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इस डिवाइस का जो मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो है इसका परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर Redmi पहली बार बजट प्राइस सेगमेंट में 5G की डिवाइस इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें कि आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको Redmi Note 10 Pro में MediaTek Dimensity 800 Plus का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G इनेबल चिपसेट होने वाला है। और अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो MediaTek का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर आपको लास्ट स्मार्टफोन Redmi Note 8 Pro याद होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि MediaTek किस तरह की परफॉर्मेंस आज के टाइम में अपने चिपसेट में प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो MediaTek का जो चिपसेट होता है वो काफ़ी चीप प्राइसिंग के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट कि आपको Redmi Note 10 का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। साथ ही में अगर बैटरी की अगर हम बात करें, तो 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है, जिसमें कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका सर्टिफिकेशन लिस्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। उसके साथ ही अगर बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरे की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वेड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा सोनी IMX686 का सेंसर देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक टेलीफोटो लेंस और एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि Redmi Note 9 सीरीज की तरह ही होने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़े मोरे चेंजेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपको MI 10 या फिर MI Note 10 Lite के जैसा ही कोई एक बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाए। बट अगर हम बात करें इस डिवाइस की बिल्ड और क्वालिटी की, तो आपको सेम यहाँ पर Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो 6.67 इंच का आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि Xiaomi ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर LCD पैनल में भी बिल्ड कर चुकी है, तो हो सकता है कि आपको इस डिवाइस के अंदर LCD पैनल में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाए। उसके साथ ही अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो इस डिवाइस के अंदर हो सकता है कि आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिले, क्योंकि Redmi Note 9 सीरीज को पंचोल के साथ बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया था। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको इस डिवाइस के अंदर एक बजट प्राइसिंग में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाए। उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस की अब फाइनली प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो इस डिवाइस का स्टार्टिंग वेरिएंट आपको 15 से लेकर 18,000 रुपये के करीबन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बेस वेरिएंट 6GB रैम के साथ 64GB या फिर 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट की, तो इस डिवाइस को इंडिया के अंदर अगस्त या फिर सितंबर के महीने तक Realme 7 Pro के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि Realme 7 Pro एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर है Redmi की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन इस बार Redmi और Realme की तरफ से देखने को मिलने वाली है। तो आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फाइनली अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।